मौलाना, हाथ जोड़ के मौलाना, अरे हाथ जोड़, हम आपको भी पुजारी बनवा सकते हैं, बनने को आप तैयार तो हो, आप बनो, हम आपको पुजारी बनाते हैं, आप बनाइए, चोटी रखाओ, करवाइए टोपी उतारो, टोपी एक सेकंड दीजिए, नहीं मेरी बात सुनिए, यहां पे करवा दीजिए, एक सेकंड सुनिए, अनुराग को महात्मा बनाते हैं, हम क्या कह रहे हैं, अनुराग को महात्मा बनाते तैयार हो, मैं आपको मौका दे रहा हूं, अनुराग जी ने पुजारी बनने की, पुजारी बनने की बात कही है, अनुराग जी पार्टी छोड़े, हम आज ही इनको पुजारी बनाएंगे, अभी बनाएंगे, अभी पार्टी छोड़ो, पुजारी बनो, पार्टी छोड़ो, तैयार हो पुजारी बनने के लिए, अनुराग जी चलिए आई आई, अरे आइए ना, सुनो मेरी, अरे पुजारी बनिए, पुजारी बना रहे, मैंने उनसे ठीक है पुजारी बनना चाहिए ना, हो जाएगी, मैंने देवकिनंदन ठाकुर जी ने अभी अभी, अरे रुकिए, ले जाइए, अरे अभी आ जाइए, ले जाइए, अरे यहीं इस्तीफा करिए, अभी आ जाइए, इस्तीफा करिए सर, आइए आइए, अरे प्रभु हां चलो, मैं तो ये कहां छेड़ दिया आपने, बोला दो ना, मैंने तो प्रभु आपको बोला, आपको तो मैंने बोला नहीं, आप आइए राजनीति ज्वाइन कर लीजिए, अरे मैं कह रहा हूं राजनीति कर लीजिए, पुजारी की बात, आइए राजनीति कर लीजिए, पुजारी की आपने बोला, मैंने बोला दलित पुजारी बना दीजिए, तो आप मेरे ऊपर भागे, मेरी बात सुनिए, बनाने बोलिए बनाएंगे, क्यों बात, बोलिए बनाएंगे, बोलिए बनाएंगे, सुनिए बोलिए बनाएंगे, ना बोल दीजिए बनाएंगे, सुनिए बताइए, मारो दलित भाई ने रखा था, पूरी दुनिया में देखा था पुजारी बनेगा, बोल दीजिए राम मंदिर का, बोलिए मारो दलित भाई ने रखा था, पता नहीं क्या, अनुराग इधर आ जाइए, अनुराग इधर आ जाइए, सुनिए सुनिए, हमारे मैंने कहा साधु की कोई जाति नहीं, फिर भी जो जन्म से कहीं ना कहीं दलित थे, 45 महामंडल सुन रहे कान खोल के सुनिए, 45 सर बनवा दीजिए, हमारे के साथ बोल रहा हूं, ऐसी बात कर रहे हैं, बनवा दीजिए, ऐसी बात कर रहे हैं, अनुराग जी, अनुराग जी ऐसी बात, अनुराग जी क्या बात उठा रहे हो, अयोध्या में एक सबरी के बेर, अरे भैया एक मिनट सुनो सुनो सुनो, मेरा सवाल यहां पे बैठे सभी से, आप सभी से, कि हमारे देश की स्थिति क्या इतनी बिगड़ गई है कि हम आज भी शिक्षा रोजगार जैसी बातों के मुद्दे को हटाकर हम आज भी हिंदू और मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है, हर 15-20 दिन बाद आप लोग ऐसी डिबेट लेकर आते हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम की बात होती है और जनता को फटकाया जाता है। अब रोजगार पे बात करेंगे, एक सेकंड देने के ऊपर, अनुराग रोजगार पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, एक सेकंड एक सेकंड, क्या भाव, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सारा कुछ क्या भाव, आपको सबसे भाव बता देता हूँ, ऑल आउट देखिए अनुराग, देखिए रकस क्रिएट करना मकसद नहीं है, एक सेकंड देखिए देखिए, मेरा निवेदन है रकस क्रिएट नहीं करना, हमें चर्चा करनी है, क्योंकि रोजगार और बेरोजगारी की बात हुई तो मैं कहना चाहता हूँ इस देश के अंदर रोजगार और बेरोजगारी का मुद्दा कितना पुराना है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं, रोटी और कपड़ा मकान एक पिक्चर आई थी आज से 40 साल पहले, एक फिल्म आई थी, एक सेकेंड अनुराग शांत, अनुराग शांति, अनुराग शांति, ऑडियो डाउन है आपका, और दूसरी फिल्म एक आई थी मेरे अपने, जिसमें आपने बड़ा फेमस डायलॉग है, शत्रुघ्न सिन्हा होते थे और वो विनोद खन्ना के घर जाते हैं, उनकी माँ को बोलते हैं कि जाइए बता देना छेनू आया था, बड़ी पुरानी पिक्चर है, वो बेरोजगारी पे थी, तो महंगाई और बेरोजगारी इस देश में उतनी पुरानी समस्या है जितना देश है पुराना, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन लेकिन हर दौर में बात होती है, हर दौर में बात होगी, और आपने जो बोला, मैं आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और मैं ये कहना चाहता हूं हाँ इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान हो रहा है, इस देश के अंदर हो रहा है, आपने जैसा बोला हो रहा है, लेकिन 1947 के अंदर किसने हिंदू मुसलमान किया था, जब देश का बंटवारा हुआ था 1990 में, जब कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से निकाला गया था, मस्जिद से आवार हुआ था, तो किसने हिंदू मुसलमान किया था, और तो और मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे आपके कार्यकाल में, किसने हिंदू मुसलमान किया था, भागलपुर दंगे हुए थे, किसने हिंदू मुसलमान किया था, गोधरा में ट्रेन चलाई गई थी, किसने हिंदू मुसलमान किया था, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, एक एक मैं इस बच्ची के प्रश्न का उत्तर बड़ी शालीनता से बड़ी ईमानदारी से देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे जाना भी है सिर्फ 10 सेकंड में। बेटा ये मुद्दा है ज्ञान वापी का, हम लोग हैं धर्माचार्य और हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अगर हम तुम्हें धर्म की बात नहीं, सुनो 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 मैं पूरा जवाब दूंगा, अगर हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, सिर्फ क्या कहते हैं जानवरों की तरह हम जिंदगी नहीं जी सकते, जब तक अपने आराध्य की पूजा नहीं करेंगे और आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं होगा, सिर्फ डीजल पेट्रोल पे नींबू पे चर्चा करते रहेंगे और हमारे आराध्य का मंदिर टूटा पड़ा रहे, उसकी बेइज्जती होती रहे और हम डीजल पेट्रोल और ब्रिज बनाते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। जय भगवान गोयल। प्रभु हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो हमारी धरोहर हैं, वो हमारी आराध्य शक्ति हैं, वहां पुणे मंदिर का निर्माण होगा तो हमारे देव जो हैं वो शक्ति देंगे, हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा विश्व गुरु बनेगा और पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाएगा। जी जी 30 सेकंड। धर्म मजहब रिलीजन
मोहब्बत के लिए है। अगर इसके जरिए नफरत बांटी ही आए तो वो मजहब हो ही नहीं सकता, धर्म हो ही नहीं सकता। गूगल करिए और आप ये पता लगाइए जिसको आप कह रहे हैं अक्रांता बाहर से आया, औरंगजेब अक्रांता था कि नहीं था? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, औरंगजेब हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उसका बाप जो है शाहजहां हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उसका बाप जो है जहांगीर हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उसका परदादा अकबर हिंदुस्तान में पैदा हुआ। क्या करेगा यहां औरंगजेब? उसके राज में, औरंगजेब के राज में हिंदुस्तान की जीडीपी 24% थी, देश की जीडीपी 24% थी, कोई भूखा नहीं था। औरंगजेब का राज बढ़िया था, बिल्कुल बढ़िया थी। मैं कहता हूँ कि अगर मुगलों से नफरत है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं ताजमहल गिरा दो, कुतुब मीनार गिरा दो, हम आपके साथ हैं, गिरा दो, हम आपके साथ हैं, गिरा दो, अगर गिरा दो। देखिए ये सब कुछ सुनिए, अरे स्वामी जी सुन लीजिए, देश ये सुन लीजिए, देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कितना भी मुद्दा घुमा ले, असली संविधान और न्यायपालिका से असली मुद्दा है महंगाई बेरोजगारी, जिससे आपका ध्यान भटका रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, उनका ध्यान भटकाने के लिए ये सब रचते हैं कहानी। इनको कुछ करना नहीं है, ये इसको जिंदा रखेंगे क्योंकि इनको वोट चाहिए और कुछ नहीं। जी जी जी, मैं एक सेकंड देवकी नंदन जी और फिर आप। क्या है, हमने कहा था कि हम काशी मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, परंतु कोर्ट के आधार पर, संविधान के आधार पर, जो कोर्ट निर्णय करेगा हम उसको मानेंगे साक्ष्य के आधार पर। ठीक ठीक, अच्छा साहब, देवकी नंदन जी लास्ट वर्ड। जी जी, देखिए पहले भी क्या है, सीधी सी बात है, बातों को घुमाना नहीं चाहिए। मौलवी जी की बात हमको बहुत अच्छी लगी कि संविधान की बात मानेंगे और कोर्ट की बात भी वो मानेंगे। हम भी भाईचारे के साथ रहना चाहते, पर अकेले चारा बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। हम भाई हैं तो भाई का अधिकार नहीं, भाई हैं हम, बड़े भाई हैं तो हमें हमारी आस्था का भी ध्यान इन लोग रखें, और ये काशी मथुरा और इनको देना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट का ही कानून मानना है और इनका अगर ये इंटरप्रिटेशन है कि हम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, तो फिर उसके बाद इस देश के राजनेता जो डिसाइड करेंगे उसको मानेंगे क्या? सीए का माना इन्होंने, सीए का माना इन्होंने। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन देवकी नंदन ठाकुर जी माइक मत उतारिए, ये कह रहे हैं पब्लिक, कुछ सुनाना तो पड़ेगा मुझे कुछ। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं जा सकते।